जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द वर्गो साइन, यानी कि कन्या राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि दिसंबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। सो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द वर्गो पीपल, यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए। क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल द वर्गो पीपल? हीलिंग योर हार्ट, यू नीड टू हील योर हार्ट। या हो सकता है कि आई थिंक फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा आई एम गेटिंग समथिंग, मे बी रिलेटेड टू योर मैरिज, मे बी रिलेटेड टू योर कनेक्शंस। इट्स अबाउट दैट यू नीड टू हील योर सेल्फ। वी हैव आर्कएंजल राफेल, तो हो सकता है कि आपको यही, आई थिंक इट्स अबाउट दैट ओनली, कि आपको आपके हार्ट चक्रा में इट्स अबाउट ब्लॉकेजेस है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं किसी कनेक्शन के बारे में, या अपने 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 हार्ट को यू नो इट्स टाइम आप रिलीज़ करें जो भी पेन है, जो भी एंगर है, और हील। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग उस जर्नी पर निकल चुके हैं, एंड फॉर वर्गो पीपल आई एम गेटिंग येस हीलिंग इज़ गोइंग टू हैपन दिस मंथ, यू विल बी ट्राइंग, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो आर्कएंजल राफेल इज़ देयर टू हेल्प यू, आप उनको प्रे कीजिए और अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। चलिए अब बात करते हैं लव लाइफ की फॉर ऑल द वर्गो पीपल। ओके वर्गो पीपल, इट्स अबाउट यू आर होल्डिंग इमोशंस, पर अब आई थिंक यू आर रियलाइजिंग अ लॉट, बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। वी हैव अ हाई प्रीस्टेस, बहुत शायद हो सकता है जोन में आ रहे हैं, हील हो रहे हैं। यू आर, आई टोल्ड यू अर्ली ऑल्सो कि आप शायद अपने आप को हील कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, एंड यू आर लाइक बींग कंटेंट विद इन योर सेल्फ। अब आप उस जोन में आ रहे हैं धीरे धीरे कि नो, मतलब इस दुनिया में कुछ भी यू नो लाइक सब कुछ नहीं मैटर करता, इट्स अबाउट लाइक जो हैप्पीनेस है इट्स विद इन। तो वो चीज़ मुझे शायद लग रहा है कि आप वो उस चीज़ पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, एंड येस ठीक है, आप करेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर अ स्टेबल कनेक्शन, अ ब्यूटिफुल कनेक्शन, जहाँ आपको लगता है कि येस मतलब इट्स अबाउट फैमिली थिंग एंड ऑल दैट, तो वो चीज़ है, बट स्टिल यू आर फीलिंग कंटेंट इन योर सेल्फ। भरोसा है शायद आपको, या इन डिवाइन एनर्जी, सम डिवाइन एनर्जी इज़ अराउंड यू। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देखिए आई थिंक उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, दे आर यू नो फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स। शायद हो सकता है इस कनेक्शन में शायद दे वर स्ट्रगलिंग, दे वर बींग डिफेंसिव, वो डिफेंसिव थे। दे हैव एंडेड दिस रिलेशनशिप एंड नाउ दे आर अप टू समथिंग न्यू, लेकिन स्टिल शायद हो सकता है कि उनका ध्यान आपकी तरफ आता हो, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि दैट दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, पर उन्होंने अपने इमोशंस को बरी कर लिया है, ख़त्म कर लिया है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आउटकम क्या है? आउटकम यही है दैट यू बोथ आर लाइक, आप जो, आप लोगों का जो एक रिलेशनशिप है दैट इज़ ऑन द अनदर लेवल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ सोल कनेक्शन, यू वर मेंट टू, यू वर लाइक यू नो मेंट टू मीट ईच अदर फॉर सम पर्पज़, किसी पर्पज़ के लिए आप लोग मिले थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक देयर इज़ यू नो स्टिल यू आर बाउंड, यू आर यू नो विद ईच अदर, कोई इनविजिबल थ्रेड है जो आपको बाउंड कर रहा है एक दूसरे से, पर नेवर माइंड। मुझे लगता है आप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लाइफ में आप फोकस कर रहे हैं ऑन योर ग्रोथ। कुछ लोग हो सकते हैं अपने ईगो में बैठे हैं, मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू यू टू कम और रीच देम आउट, या आप चाहते हैं कि वो आपको रीच आउट करें वाइस वर्सा, बट आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कहीं ना कहीं एक वो स्टिल देयर इज़ अ होप, स्टिल देयर इज़ यू नो लाइक वो चीज़ें हैं। हालांकि मुझे चॉइसेस भी दिखाई दे रही है किसी के लिए, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी नई शुरुआत भी, मतलब उनके माइंड में कुछ चल रहा हो शायद, और किसी के बारे में सोच भी रहे हो, बट आई थिंक अदर दैन दैट मुझे लग रहा है कि अपनी जर्नी पे फोकस कर रहे हैं आप भी और ये पर्सन भी, और अपनी सक्सेस पे आई थिंक। करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द वर्गो पीपल।
करियर वाइज ये जो महीना है कैसा रहेगा? आई थिंक इट्स अबाउट ऑन द क्रॉस रोड्स फॉर समथिंग. ओके, वर्क ओ पीपल, आई थिंक इट यू नीड टू कीप सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. ठीक है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप सेटल डाउन होना चाहते हैं लाइफ में, आप बिल्ड करना चाहते हैं, और हो सकता है आप थर्ड पार्टी से बहुत कुछ यू नो राय भी ले रहे हो. या एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है दैट यू नो लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग सम हेल्प फ्रॉम समबडी, कुछ ऑनलाइन कुछ अप्लाई कर रहे हैं वट एवर, बट दैट थिंग इज मे बी नॉट वर्किंग. सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की, लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल, अ मैसेज, वट एवर, बट विद द फोर ऑफ वॉन्ट्स इट्स अबाउट यू नो लाइक मुझे जहाँ तक लग रहा है यू आर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग फ्रॉम अ ग्रेट टाइम, और आप यू नो कंटेंट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं इट्स ऑल अबाउट योर फैम लाइक यू नो गेटिंग सेटल्ड इन लाइफ, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है. नाउ इट्स अबाउट लाइक आप कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब स्ट्रगल तो कर रहे हैं लेकिन एक वो जज्बा आ चुका है कि नो आई वॉन्ट टू डू दैट, अपने आप को हील करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और कोशिश भी करेंगे, और आई थिंक मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि शायद लाइक पार्टिसिपेट करें और मिल के कुछ काम करने की सोचें. बट फॉर दैट ऑल्सो आई थिंक यू नीड टू कीप पेशेंस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्गो पीपल. आई थिंक realization, awakening and then moving forward, it's like you know it's a part of process, ये जो process है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं it's a part of that, so आपको वो follow करना होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे. for December month भी मुझे for all the Virgo people यही दिखाई दे रहा है. so keep on moving, keep on working on yourself, keep on manifesting good things in your life. कोई बात नहीं, कभी कभी अगर कुछ टाइम लग रहा है चीज़ों को तो इट्स ओके, यू आर हीलिंग, यू आर इन 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 दैट प्रोसेस, तो कोई बात नहीं. एंड कभी कभी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आपके माइंड में बहुत सारा चीज़ें आने लग जाती हों, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हो, यू नो दिमाग में बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता हो कि मन की क्या होगा क्या होगा, बट नेवर माइंड, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर प्रोसेस. आप आगे बढ़ते जाइए एंड यू विल अचीव अ लॉट इन योर लाइफ. क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्गो पीपल? आई थिंक इट्स ऑल विद इन. आई थिंक लास्ट टाइम भी हमारे पास यही कार्ड आया था. वर्गो पीपल, यू नीड टू हील योर चक्रास, और यू नो यू शुड वर्क ऑन योर चक्रास. इट्स अबाउट आप बहुत टाइम से लो एनर्जी में थे, लो वाइब्स में थे, अब जबकि आप न्यू एनर्जी में आ रहे हैं तो इट विल टेक टाइम एंड यू विल रियलाइज कि लाइक सब कुछ इट्स विद इन यू. एंड मोर ओवर इट्स अबाउट डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन टर्निंग इन, इट्स अबाउट यू नो कनेक्टिंग विद योर सेल्फ और जो चीज़ें आपके आस पास हैं. लाइक मुझे ये भी लग रहा है मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगी टू मूव फॉरवर्ड एंड दिस इज़ अ गुड थिंग. सो कीप ऑन वॉकिंग, कीप ऑन डूइंग, और जो भी आप कर रहे हैं, आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, सेल्फ वर्क, सेल्फ हीलिंग, वट एवर, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू. एंड वन थिंग इज लाइक धीरे धीरे अगर आपको फाइनेंसिस की चिंता है तो आई थिंक धीरे धीरे वो भी चेंज होंगे. सो दिस इज़ इट. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. For all the Virgo people, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.